केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ वर्चुअल वार्तालाप, देश में खेलों के विकास के लिए रोड मैप बनाने पर किया विचार विमर्श। देशव्यापी कोविड टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार, अब तक 81 करोड़ से अधिक को लगी कोविड वैक्सीन। कोविड स्वास्थ्य दर बढ़कर हुई 97.68%। पंजाब कांग्रेस में जारी खींचातान के बीच चरणजीत सिंह चन्नी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, सुखविंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी बने उप मुख्यमंत्री। भारत व नेपाल की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के हथियारों व तकनीक को किया साझा। कोविड के सक्रिय मामलों में आई गिरावट के बीच कई राज्यों ने खोले स्कूल, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में कोविड प्रोटोकॉल के बीच लगी कक्षाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के 6 एम्स संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर की समीक्षा, सभी संस्थानों में आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का किया आह्वान। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर इस्पात का होगा अहम योगदान, मंत्रालय की बैठक में कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर दिया जोर। सर्बिया के विदेश मंत्री निकोला सेलाकोविका का 2 दिवसीय भारत दौरा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से की मुलाकात, राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। सऊदी अरब के विदेश मंत्री की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, आज प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। कनाडा में आज प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव, चुनाव पूर्व सर्वे में वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बढ़त, अन्य पार्टियों ने भी झोंकी पूरी ताकत।